उपायुक्त हमीरपुर संदीप कदम ने जिला के सभी बैंकों को सीडी अनुपात बढ़ाने के लिए ऋण आवंटन में तेजी लाने तथा समयबद्ध लक्ष्य प्राप्ति को सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्र में अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। अग्रणी बैंक पीएनबी के सौजन्य से हमीर होटल में आयोजित की गई जिला स्तरीय त्रैमासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि जिला में विभिन्न बैंकों द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान वार्षिक लक्ष्य 1269.33 करोड़ के मुकाबले दूसरी तिमाही तक 596.45 करोड़ रुपए की उपलब्धि दर्ज की गई है, जो कि वार्षिक लक्ष्य का 44.99% है। उन्होंने बताया कि दूसरी तिमाही के अंत तक जिला के समस्त बैंकों का जमा 8047.58 करोड़ रहा। इसी प्रकार तीसरी तिमाही के अंत तक जिला के समस्त बैंकों में 1693.42 करोड़ रुपए के ऋण आवंटन के मुकाबले जमा अनुपात 21.5% रहा। उन्होंने बैंकों को हर क्षेत्र में निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों को इसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले पूरा करने के निर्देश भी दिए। मुख्य अग्रणी जिला प्रबंधक गुरुचरण भट्टी ने सभी बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं तथा विभागों के अधिकारियों से निर्धारित लक्ष्यों को चरणबद्ध ढंग से पूरा करने व सीडी अनुपात को बढ़ाने में परस्पर सहयोग के साथ प्रयास करने का आह्वान किया। इसके अतिरिक्त बैठक में समस्त सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को आधार आधारित भुगतान के दायरे में लाने, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री सफल बीमा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान ऋण जमा अनुपात पर गठित उप समिति की बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसमें जिला का ऋण अनुपात बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त पीएनबी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था के स्थानीय सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसमें वर्तमान वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही की प्रगति एवं अन्य मुद्दों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इस अवसर पर पंजाब नेशनल बैंक हमीरपुर मंडल के मंडल प्रमुख सुबोध काला, रिजर्व बैंक से विजयपाल गिल सहित जिला के समस्त बैंकों वित्तीय संस्थाओं के जिला समन्वयक, सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्य भी उपस्थित रहे। ठीक है, बेसिकली मैं तो बता रहा था पुराने जिले में, इसीलिए हमने क्या किया था कि हर पंचायत में डेट वाइज कैंप्स लगाए थे, जिसमें एग्रीकल्चर अधिकारी भी जाता था, पटवारी भी जाता था और सेक्रेटरी भी, वो तीनों बैठते थे इकट्ठा। हम डेट पहले अनाउंस करते थे और वहीं सारे सर्टिफिकेट्स करते थे। हमें दिक्कत ये होगी कि इससे हमारी जिम्मेदारी बन गई, क्योंकि प्रशासन ने करवाया था वो कैंप्स, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ किया नहीं, वो लोग हमारे सर पे बैठ गए, हम उनको तो नहीं पहचानते, आए तो आप। ठीक है, तो अगर इंश्योरेंस कंपनी का अप्रोच ठीक रहेगा तो इस तरीके से कैंपिंग हम इस जिले में भी करवा देंगे, जिससे कि फार्मर्स को आसानी पड़ेगी। क्योंकि इसमें पॉइंट इज वेल टेकन, इसमें होता क्या है कि इसमें 36 रुपीज पर कुछ बीघा या ऐसा कुछ इसका इंश्योरेंस, पटवारी के पास जाने के लिए जो बस का किराया देना पड़ता है वो 50 रुपए आता है, इंश्योरेंस 18 रुपए होता है। ठीक है, तो वो डिस्करेज फील करता है ऑफिस में जाके लेने के लिए, क्योंकि उसका टोटल ओवरऑल खर्चा हमने एवरेज निकाला कुछ 90 से 100 रुपए आता है एक इंश्योरेंस करने के लिए, कि वो आने जाने का किराया पकड़ते हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन योर अप्रोच, अगर आपका प्रोएक्टिव रहेगा तो वी कैन सिंप्लीफाई थिंग्स। ठीक है।